मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज हम लोग बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आने वाले मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि ये सारे राउंड्स लगभग जो 7 राउंड्स होते हैं आप लोग कैसे क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें क्लियर करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग समझते हो। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है। जब भी आप एक शेफ बनने की सोचते हो तो आपके मन में सिर्फ एक ही शब्द होता है, शेफ। पर जब आप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हो तब आपको मालूम पड़ता है यहाँ तो मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, और उससे पहले मेरे पास ढेर सारी पोजीशंस को मुझे पार करके जाना है, उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन पाऊंगा। और जो ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा वो एटलीस्ट 10 साल का तो होने ही वाला है, क्योंकि लगभग 10 साल मुझे लग जाएंगे किसी एक अच्छे 5-स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए। उसके बाद जब आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते हो, अपने सेकंड ईयर में जाते हो या आप लोग अपने कॉलेजेस में बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत आप मात्र 2 साल में अपना जो आपका जो जूनियर सुपरवाइजरी पोजिशन पर आप लोग पहुँच जाते हो, जिसको कि हम लोग शूशेफ बोलते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को क्रैक करने के लिए पूरी मेहनत करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे पहले जो समय बच जाता है, आप जो 6-7 साल या 5-6 साल जो भी खर्च करते हैं शूशेफ लेवल तक पहुँचने में, वो आप मात्र 2 साल में ही पहुँच जाते हो। पर यहाँ पे ये प्रोग्राम है, इतना मुश्किल भी नहीं है मैं बोल रहा हूँ, पर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपको चूज़ करेगा अपने होटल्स के लिए या अपनी फूड बिज़नेस के लिए, वो आप में बहुत सारी क्वालिटी ज़रूर देखेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी को भी भर्ती कर लूँ, अगर किसी को भी भर्ती करना होगा तो वो आपको ही क्यों चूज़ करेगा, किसी और को चूज़ कर लेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें, वो सारे राउंड्स के बारे में जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे क्रैक करके रखनी है, कैसे आपको इनकी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी आपकी जो जूनियर लेवल्स की पोजिशंस होती है, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, उनका भी काम करवाया जाता है, उनका काम सिखाया जाता है वहाँ पे उनके साथ रह के। उसके बाद जो आपकी जो सुपरवाइजरी पोजीशंस होती है, जैसे कि आपका DC DP हो गया, CDP हो गया, उनके साथ भी आपको काम करना पड़ता है, और उनके जैसा ही आपको काम करना पड़ता है। तो आपको एक पूरी तरीके से सोचने और समझने का टाइम मिल जाता है लगभग 2 साल का, कि आपको क्या करना है जब आप उनके भी बॉस बन जाओगे। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ ये जो प्रोग्राम होता है वो किचन में नहीं होता है, ये प्रोग्राम सब डिपार्टमेंट्स में होता है, चाहे आपका हाउसकीपिंग हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, किचन हो गया, सर्विसेज हो गया, बार हो गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग करना चाहते हो। आपके कॉलेजेस में जो होटल्स होते हैं या फूड बिजनेस के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आते हैं और आपके यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू तैयार करते हैं। अब वो लगभग यहाँ पे 7 राउंड लेते हैं जिसमें कि आपको वो जज करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे राउंड होता है, उसी को हम लोग रिटन टेस्ट बोलते हैं। रिटन टेस्ट के अंदर आपके बारे में पूछा जाता है, आपको लिखना होगा। दूसरा, यहाँ पे जो भी आपको बेसिक्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं बोलूँगा, जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स के भी बेसिक होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि भाई हमें बेसिक्स बताइए, जो भी वो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा जो राउंड होता है, जब ये क्लियर हो जाता है आपका, उसके बाद जो दूसरा राउंड आता है वो आता है आपका ग्रुप इंटरव्यू का। आप लोगों का ग्रुप बना लिया जाता है, आप लोगों किसी को भी एक को उठा देंगे, क्योंकि सबका तो नंबर आना ही है। आपको अपने बारे में वहाँ पे एक इंटरव्यू जैसे देना होता है पूरा, आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप क्यों इस होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करा है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ से वो चेक करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर आपने पहला राउंड क्लियर करने लग गया है बेसिक्स का, तो यहाँ पे वो चेक करने लग जाएंगे कि आपका किस डिपार्टमेंट के प्रति झुकाव है। आप शेफ बनना चाहते हो, आप बार में जाना चाहते हो, आपको फ्रंट ऑफिस का ज़्यादा शौक है, तो यहाँ से आपकी बातों से पता लगने लग जाता है। और यहाँ पे भी सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है, आपकी कम्युनिकेशन की बात आती है, आपकी ये बात आती है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से चीज़ें लोगों को बता पा रहे हो। तो जब आप ये राउंड भी क्लियर कर देते हैं तो तीसरा राउंड आता है आपका ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपके कई सारे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, 5 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, 10 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा, कितने लोग इस इंटरव्यू में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंदर आपको एक कॉमन टॉपिक दे दिया जाता है, जिसपे कि आपको अपने विचारों को रखना होता है, आपको वो सारी चीज़ें बतानी होती है जो कि आपको पता हो। और आप जितना अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना अच्छे से अपनी चीज़ों को लोगों को बता पाएंगे, आपका पास होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये राउंड भी क्लियर कर लेते हैं, और इस राउंड में स्पेशली आप जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, स्पेशली फूड से लेके, आपको वो पता होने चाहिए, करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, आपको वो पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के ही टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे बताने होते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आता है वो आता है हमारा एचआर राउंड। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एचआर माने ह्यूमन रिसोर्सेज उस होटल का आप लोगों का राउंड लेता है। ये भी बेसिकली आपके ही बारे में जानना चाहता है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग के जाने बारे में जानना चाहता है, आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, आपके बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, आपके जितने भी सॉफ्ट स्किल्स हैं यहाँ पे उनको चेक किया जाता है। और जब ये राउंड भी क्लियर हो जाता है तो जो नेक्स्ट राउंड होता है आपका एचओडी राउंड। एचओडी राउंड मतलब कि जिस प्रकार से हर होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके एचओडीज होते हैं, जैसे कि हमारा फ्रंट ऑफिस का फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो गया, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब कि किचन डिपार्टमेंट का आपका एग्जीक्यूटिव शेफ हो गया, वो आपका वहाँ पे इंटरव्यू लेगा। आपको इंटरव्यू में वहाँ पे वो जो भी बेसिक्स होते हैं आपने सीखा होगा वो वही पूछेगा। यहाँ पे कुछ आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आंसर भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। जब आपका जो एचओडी है वो क्लियर कर देता है कि भैया यहाँ पे 10 बंदे हैं और 10 में से मुझे 9 पसंद है, तो 9 को वहाँ पे चूज़ कर लिया जाता है। जब ये राउंड भी ख़त्म हो जाता है उसके बाद आता है जीएम राउंड। जीएम राउंड से मेरा मतलब है जनरल मैनेजर राउंड। जनरल मैनेजर होता है जो भी आपके जितने भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनका बॉस होता है, वो आपका जो लास्ट राउंड नहीं होता, ये जो इसके बाद का जो एचओडी के बाद का जो राउंड होता है वो लेता है। इसके अंदर अगर ऑलरेडी आपके एचओडी ने आपको पास कर दिया होता है तो वो इतना कुछ आपसे नहीं पूछता है, सिर्फ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको चेक करेगा। बेसिक क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा जो आप अभी तक आप देते आ रहे हो, सेम वही क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं आते हैं। जब आपका जो जीएम राउंड भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद सबसे फाइनल राउंड आता है, जिसको कि हम लोग पीआई राउंड या हम लोग सीईओ राउंड भी या एमडी राउंड भी बोल सकते हैं। मतलब जिसका भी वो होटल है, जो भी उसका मालिक है, वो आपसे फाइनल राउंड लेता है और वही एक लास्ट अथॉरिटी होता है, क्योंकि एक्चुअली में होटल का मालिक वही है, वो उस फूड बिज़नेस का मालिक वही है जिसको कि आप लास्ट में मिलने आए हो। अगर वो क्लियर कर देते हैं तो आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग पास हो जाते हो और आप 2 साल के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट में मैं फ्रंट ऑफिस में या मैं किचन में आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करूंगा और 2 साल के बाद मेरे परफॉर्मेंस के बेस्ड के ऊपर मुझे शू शेफ बना दिया जाएगा, मुझे जूनियर शू शेफ बना दिया जाएगा। वो आपकी और होटल के अंदर की अंडरस्टैंडिंग है। तो यही सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में होती है। और जो मैं आपको ये यहाँ पे मैंने आपको हर क्वेश्चंस अगर मैंने हर जो भी आपको राउंड्स बताई हैं सबके अंदर मेरा एक ही चीज़ आ रही है कि आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके बेसिक, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे दिखानी होती है उनको। इसके अलावा भी अगर आप इस प्रोग्राम में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो आप लाइफ में अगर अच्छे शेफ बनना चाहते हैं तब भी आपको यही सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और आप जो भी इस इंडस्ट्री में चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने प्रोग्राम्स में भी सिखाता हूँ। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, मेरे इवन बेसिक्स की बुक्स हैं आप वो ले सकते हैं, मेरे एचआर के राउंड्स की जो बुक है आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा शेफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत में सारी चीज़ें जो मैं आपको एक क्रिएटिविटी के बारे में बताता हूँ, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बताता हूँ, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ, ग्रोथ के बारे में बताता हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे हम लोग एक JT या IT कर रहे हैं, ये जो पूरा जो वीडियो था वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऊपर था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हो तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक होटल में किचन में वो 3 मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि कोई मैंने इतने लोग देखे हैं कि वो लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाते हैं, लोग आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं, जबकि अगर वो उस चीज़ को पूरा कर ले तो वो जो अपना जो लाइफ स्पैन होता है वो उतना सुशेफ बनने में जो उन्हें टाइम लगता है उतना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने की सोच रहे हैं तो जो मेरी बुक्स है आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है या फिर नहीं, आपकी आपके ऊपर ही है वो तो, या फिर अगर आप रियली में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तब भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपको अपनी ग्रोथ ही दिखाई देगी, ग्रोथ के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पर लास्ट में फाइनली आपको ही सब कुछ करना है, बिना आपकी मदद के, बिना आपके करे वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो वीडियो में यही सारी चीज़ें थी, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप का नंबर मैं हमेशा नीचे देके रखता हूँ, और मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, साथ साथ मुझे ऐसे टॉपिक्स पे भी वीडियो बताइए, ऐसे टॉपिक्स भी बताइए
जो कि रियली आप लोग चाहते हैं कि आपको समझ आए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं चाहता हूं कि हम एक अलग तरीके से काम करें ताकि लोग रियली में इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।